नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राय। ये औषधीय पौधा केवटी का है। ये इसकी जो ये पौधा है, यह बेल की आकृति का होता है और यह कोई भी दूसरे वृक्ष या पेड़ के ऊपर इसकी लताएं चढ़ती जाती हैं। जब यह बड़ा हो जाता है तो इसकी ये मोटी हो जाती हैं जो लताएं, और इसका कलर पूरा ये लाल कलर का होता है लगभग, और इसके फल भी बड़े सुंदर होते हैं। अभी इस समय यह इसके फल नहीं आए हैं, लेकिन गर्मियों में इसके फल निकलते हैं। और इसकी छाल का उपयोग किया जाता है, इसकी हम छाल छील के ले जा सकते हैं। ये इसकी जड़ों का छाल है। ये बहुत ही अच्छी औषधि है कमजोरी के लिए। किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी हो, ये उसको आसानी से दूर करती है। ये इसकी जड़ है और ये इसकी छाल है। इसकी छाल का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही दिव्य औषधि है। कमजोरी, किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी है तो उसमें यह बहुत बढ़िया कार्य करती है। इसकी हम सुबह खाली पेट इसको 1-2 ग्राम की मात्रा में डाल के इसकी चाय बना सकते हैं, काढ़ा बना सकते हैं, तो बिल्कुल लाल कलर की चाय बनेगी, काढ़ा बनेगा। ये आप देख रहे हैं, हाथ भी थोड़े लाल होने लगे हैं। ये बहुत ही अच्छी है और इसका कई लोग ग्रामीण क्षेत्रों में चाय के रूप में इसका सेवन करते हैं। तो अब हमने थोड़ी सी इसको निकाल ली है, कोई पौधे को वृक्ष को हमने नुकसान नहीं पहुंचाया है, और यह वापस अपनी इसको मिट्टी से ढक देंगे। केवटी जड़ी बूटी यह रक्त शोधक भी है, यह रक्त को शुद्ध करती है। शरीर में जो भी चर्म रोग हैं, स्किन डिसीज हैं, किसी प्रकार का आपको स्किन से संबंधित यदि कोई समस्या होती है तो यह खून की खराबी के कारण होती है, तो आपको केवटी की या तो आप चूर्ण के रूप में उसका सेवन कर सकते हैं या इसका काढ़ा बना सकते हैं। इसकी छाल, इसकी जो बेल है उसकी छाल का हम निकाल के 2-3 ग्राम की मात्रा में इसका उपयोग हम डायरेक्ट चूर्ण बनाकर कर सकते हैं और इसका काढ़ा भी बना सकते हैं। यह रक्त शुद्धिकरण की बहुत ही शानदार औषधि है। जब रक्त शुद्ध होगा तो अपने आप हृदय भी स्वस्थ रहेगा, किडनी भी स्वस्थ रहेगी, तो हमें यह बहुत फायदेमंद है किडनी में, मधुमेह में और रक्त शुद्धिकरण में और हृदय के लिए। और यह एक कैल्शियम का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है। किसी भी प्रकार का यदि आपके घुटनों में दर्द होता है या घुटनों में गैप हो गया है तो आप इसका सेवन करें तो घुटनों का दर्द भी, घुटनों का गैप भी ठीक हो जाता है। यह बहुत ही लाजवाब औषधि है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।